मैंने कल रेमन नियम से समीकरण हल करना पड़ा था। अब अपन इसके आगे का पार्ट अभी वो देखते हैं। नौवां क्वेश्चन अपन ने लास्ट कर लिया था। दसवें क्वेश्चन में बच्चों सारणी की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। सारणी मीनिंग डिटरमिनेंट मेथड का मतलब रेमन नियम ही होता है। इसका सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ मैं, 2x + 3y, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकेंड। 2x + 3y, 3y y + n upon z = 4, 4 by x + 6 by y + 5 by z = 1, 6 by x + 9 by y + -20 by z = 1, 2। सबसे पहले बच्चों डेल्टा निकालेंगे, 2, 3, 10, 4, 6, 5, 6, 9, -20 वैल्यू निकालेंगे। 2, 6, 5, 9, -20, -3, 4, 6, 5, -20 + 10, 4, 6, 6, 9, 2, -120, -45, -80, -30, 36, -36। तो यहाँ पर हो गया 165 × 2, 165 हो गया। इसको 2 से 330, माइनस माइनस प्लस हो गया 330। तो ये अपने जीरो कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू गलत आ रही है। एक सेकेंड देखो, -6/y यहाँ पर -6 आएगा तो मैं -6, 5 हो गया तो प्लस के 120 माइनस ये यहाँ पर अपने आएगा 4 - 6। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई 36 + 36। तो इधर वैल्यू आएगी अपने पास 150, 330 + 720, 1200। डेल्टा अक्ष की जगह बच्चों 1/x आएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में अपॉन में दे रखा है। तो 4 × 1 = 2, 3 - 6 = 9, 10 - 5 = 20। इसका मान निकालेंगे 4 - 6 = 5, 9 - 20, -3 = 1, 2, 5 - 20 + 10, 6 - 9, तो वैल्यू आएगी 4, 120 - 45 -20 - 10, 10, 9 + 12 120 - 45 तो वैल्यू आई है हमने 300। टोटल 30 मिनट हो गया और यहाँ पर 2110, 600। डेल्टा 1 बाई वाई निकालेंगे, मीन्स वाई वाला कॉलम 2, 4, 6, 4, 1, 2, 10, 5 - 20, 2, 1, 5, 2 - 20, -4, 4, 5, 6 - 20 + 10, 4, 1, 6, 2, -20 - 10, -5
माइनस अस्सी माइनस बीस दस, आठ माइनस छः तो माइनस के साठ, दस के चार सौ चालीस और दो और तो प्लस के बीस चार सौ, ये डेल्टा वन अपॉन वन। अब एक लास्ट वैल्यू है डेल्टा वन अपॉन जीरो, डेल्टा वन अपॉन जीरो, डेल्टा वन अपॉन जीरो का मतलब होता है जो जेड वाला कॉलम है उस जेड वाले कॉलम की जगह पर राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर दो चार छः है, तीन माइनस छः नौ, चार एक दो, माइनस छः एक नौ दो, तीन चार छः एक दो चार, चार माइनस छः छः नौ दो, माइनस बारह माइनस नौ तीन, आठ माइनस छः चार, छत्तीस प्लस छत्तीस इक्कीस इंटू दो बयालीस, माइनस छः बहत्तर इंटू चार, बहत्तर इसको चार से करेंगे आठ अट्ठाईस दो सौ चालीस, डेल्टा वन अपॉन जी तो वन बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा वन बाई एक्स अपॉन डेल्टा, तो वन बाई एक्स हो गया, डेल्टा वन बाई एक्स की वैल्यू छः सौ अपॉन बारह सौ एक बटे वाला दो, तो एक्स हो गया टू, वन बाई वाई की वैल्यू हो गई डेल्टा वन बाई वाई अपॉन डेल्टा चार सौ अपॉन बारह सौ एक बटे वाला तीन, तो वाई हो गया तीन, और वन बाई जेड इक्वल टू हो गया डेल्टा वन बाई जेड अपॉन डेल्टा दो सौ चालीस अपॉन बारह सौ एक बटे वाला पाँच, तो जेड हो गया पाँच। तो इस तरीके से अपन क्रेमर नियम की सहायता से समीकरण निकाल का हल ज्ञात करते हैं, क्रेमर रूल से सिस्टम इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सोल्व करते हैं। इसी को सॉल्व करने का अभी एक मेथड और आएगा हमने, अब एक नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते इसी के अंदर है, ग्यारह बारह ये थोड़े डिफरेंट है, एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर पंद्रह, ये देखिए पंद्रह क्वेश्चन है जिसका नए मेथड से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए पंद्रह पहले करवा रहा हूँ। संभव त्रिभुज की भुजा ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस होता है ऑल साइड्स इक्वल, संभव त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, त्रिभुज सामने तीन भुजाओं की ट्रायंगल थ्री साइड्स, इसमें अपने को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है जैसे ए बी सी, ए पॉइंट एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट एक्स टू वाई टू, सी पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री, साइड्स ए गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, संभव त्रिभुज है, इसका मैं और साइड्स क्वेश्चन में ये प्रूव करना अपने को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री टू सो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री टू 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 स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए की पावर फोर, ये चीज आपको प्रूव करनी है। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक अगर दे रखे हो तो उस कंडीशन पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ये तो हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
ट्राइंगल का एरिया, बट जो प्रूव करना उसमें एंड में 2 2 2 चाहिए। तो अपने को पता है यहाँ पर फॉर्मूले में तो 1 1 1 आता है, इस 1 1 1 की जगह पर आपको 2 2 2 लेकर आना। 2 कैसे लेकर आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, डिवाइड में बाहर कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम हो गया। x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, तो डेल्टा की वैल्यू हो गई 1/4 x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, ये डेल्टा हो गया। बट ये तो अपन ने जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू फाइंड की, बट यहाँ पर अपने को साइड गिवन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी डेल्टा की वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 दोनों डेल्टा की वैल्यू तो दोनों को इक्वल कर दो, 1/4 x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 √3/4 ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, हमने यहाँ पर एक डिटरमिनेंट का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर बहुत सारे x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 ए की पावर 4। एक बार वापस देखिए, सबसे फर्क देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे, जब भी सीरीज के निर्देशांक दे रखे हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर्मूला लगाए संभव त्रिभुज की भुजा ए दे रखी, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए प्रूव करना, उसमें 2 2 2 चाहिए, 2 2 2 चाहिए, तो अपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इसके बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स ए गिवन है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ये भी डेल्टा की वैल्यू, ये भी डेल्टा की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल जैसे करते तो 4 से 4 कैंसिल, और जो आपको प्रूव करना है उसमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर बहुत है, ये चीज अपने को प्रूव करनी। तो कल अपन पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज